ज्यादा मुझे लगता है ये जेडन के लिए जो डिसीजन मैंने लिया है, भगवान करे सही हो। इतने लोग इस शादी से उम्मीद लगा रहे हैं क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर एट अ थ्रेशहोल्ड, यू नो। क्या फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या विशेस है आपकी फैंस से? ऑनेस्टली दिल से आई रियली वॉन्ट कि आप लोग प्लीज कीप मी इन योर ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स। मेरे से ज्यादा मुझे लगता है ये जेडन के लिए जो डिसीजन मैंने लिया है, भगवान करे सही हो। और अभी तक और आगे भी, यू नो, जो भी डिसीजन मैं लेते आई हूँ जेडन के लिए सब सही हुए हैं एंड ब्लेसिंग्स बहुत काउंट करती हैं। कल मैं एक मॉल गई थी और एक आंटी मुझे मिले और उन्होंने मुझे हग किया और उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने लोगों की लाइफ टच होती है, क्योंकि जब सेकंड मैरिज होती है ये बोलने वाली बात होती है, क्योंकि आई एम अ पेरेंट उस और मेरी शादी है तो इमोशंस मेरे भी बहुत ज़्यादा हैं। और वो आंटी के जब आंसू कल बहे तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि कितने लोग इस शादी से उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर एट अ थ्रेशहोल्ड, यू नो, कि दूसरी बार करना चाहिए क्या, बच्चे हैं, यू नो, गलत। सो जो फियर शायद मैं लिटरली अभी लिव कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे मेरे फैंस हैं जो लोग जो इक्वली डरे हुए हैं, विच इज़ व्हाट आई सॉ यस्टरडे एंड आई रियली होप कि अपने लिए भी सही करूँ और जो लोग ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये डिसीजन सही हो, सही हो। जेडन कितने खुश है आपकी शादी से? जेडन बहुत एक्साइटेड है। जेडन हर रोज मतलब नानू नानी के साथ सोता है, उसको ये लग रहा है कि जितना टाइम मेरे पास है मैं पूरा यूज़ करूँ। ही इज़ वेरी एक्साइटेड, ही इज़ वेरी हैप्पी। वो निक के साथ कल है कट कराने जा रहे हैं और मतलब सेम टू सेम मुझे ट्विन करना है, वो वाली एक्साइटमेंट उसकी चल रही है, इट इज़ रियली नाइस। और वो अपने नए स्कूल को, नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए पूरा मुझसे ज़्यादा वो रेडी, उसको देख के मुझे भी हिम्मत आती है।